हेलो गाइस, मैं हुआ कफिर यूट्यूबर। जली ना तेरी भी जली ना। गाइस हम लोग लेके आए यहाँ पे TS10 के 5 अलग स्ट्रेटजीज जो करते हैं हर बेस को 3-star इजीली तरीके से। एंड गाइस आप ये सारी अटैक स्ट्रेटजी कर सकते हैं वॉर में यूज एंड कर सकते हैं फॉर फार्मिंग जो आपको अच्छा लगे गाइस। लेकिन ये अटैक स्ट्रेटजी मिस ना करें गाइस। अगर आपने अटैक स्ट्रेटजी मिस करी तो आप TS10 में बिल्कुल भी 3-star नहीं कर पाएंगे एवरी बेस का। बिना वक्त को जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन जरूर दबाए। तो गाइस चलते हैं हम लोग पहले अटैक की तरफ। तो गाइस ये है आपकी पहली अटैक स्ट्रेटजी। इसमें लेने गाइस आपको 14 बॉलर्स, 8 विचेस, 2 गोलम, 2 हीलिंग स्पेल, 2 रे स्पेल, 1 जंप स्पेल एंड पॉइजन स्पेल। इसी में आप लेके रखेंगे बॉलर्स, लॉग लॉन्चर यूज कर सकते हैं या WW एंड फ्रीज लेके रखेंगे। गाइस इस बेस पे हम नीचे से अटैक करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग में 2 गोलम्स डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 गोलम्स ड्रॉप कर देते हैं। ये 2 गोलम 1-2 एंड गाइस पीछे से पूरी विचेस स्पैम कर देंगे। एंड यहाँ पर हम डालेंगे WW पीछे से किंग और क्वीन एंड सारे के सारे बॉलर्स हम डाल देंगे गाइस। एंड गाइस आपको अपने बॉलर्स कोर में लेके जाने हैं एंड हीरोज भी सारे कोर में लेके जाने गाइस। अब यहाँ पर आपको रे स्पेल यूज़ करनी है एंड हीलिंग स्पेल का एकदम ध्यान से यूज़ करना, नहीं तो जाइंट फॉर्म में गाइस आपके सारे बॉलर्स मर जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे सारी आर्मी कोर में जा रही है परफेक्टली। एंड यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पर ये रे स्पेल डाल देता हूँ। रे स्पेल डाल दिया, ठीक है नाइस। एंड एक हीलिंग स्पेल, ओके। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे एक फ्री स्पेल यूज़ करेंगे। आई थिंक फ्री स्पेल यूज़ करूँ क्या गाइज, एक और रेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है रेज यूज़ कर ली। एंड फ्रीज मैंने अपॉइंट की क्वीन पे कर दी है ताकि अपॉइंट की क्वीन मजा कि गाइज यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो पे यूज़ करने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे विचेस एंड बॉलर्स है, देखते देखते गाइज देख रहे गाइज क्या ही आर्मी है गाइज, बीस में कुछ बचा ही नहीं गाइज। गाइज टाइम देखो आप, टाइम इतना परफेक्ट लीजिए गाइज, इतने सारे बॉलर्स। एंड गाइज यहाँ पे हमारे पॉइजन का भी एकदम बढ़िया तरीके से स्वैग हुआ है गाइज। गाइज क्या ही आर्मी है गाइज, एकदम परफेक्टली। एंड गाइज हमारे बहुत सारे विचेस एंड बॉलर्स जिंदा है। क्वीन की एबिलिटी है, बस हमारा किंग मर चुका है, बुढ़ा तो मरना ही था गाइज, अब क्या करें। तो गाइज एकदम परफेक्टली जा रहा अटैक। देखते हैं गाइज अभी कितना है। हमारे जो कोर के बॉलर्स थे वो तो मर गए, लेकिन साइड में विचेस एंड ये बॉलर्स बहुत सारे हैं, ओके। तो गाइज एकदम परफेक्टली जा रहा है, अभी देखते गाइज ये क्या ये 3-star करेगा, ओके। यहाँ पर है क्वीन की एबिलिटी बाकी है, ठीक है विचेस है, बहुत सारे बॉलर्स गाइज, ये 3-star है गाइज, ये खत्म बेस गाइज खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इस बेस का। तो इसे कहते हैं गाइस एकदम परफेक्ट। एंड गाइस यहाँ पे हमने एक पॉइजन का स्वाइप भी कर दिया, बहुत ही परफेक्ट है गाइस। यहाँ पे मैं क्वीन की एबिलिटी कर देता हूँ, ये लो गाइस एबिलिटी भी हमने यहाँ पे कर दी है। ये एबिलिटी दबा दी मैंने, अरे दब जा। तो गाइस एबिलिटी भी यहाँ पे मैंने दबा दी एकदम परफेक्टली तरीके से। तो गाइस गाइस बेस देखिए गाइस पूरा टाइम, गाइस अभी भी यहाँ पे टाइम बचा हमारे पास, 1 मिनट का टाइम बचा गाइस, एकदम परफेक्ट 3-star। एंड गाइज ये हो गया परफेक्ट 3-star हमारा विद अ बो विच अटैक स्ट्रेटजी। तो गाइज ये है हमारी सेकेंड अटैक स्ट्रेटजी। इसमें गाइज हमारे पास एक क्वीन है, 3 बॉलर्स है, 3 विचेज है, 1 मिनियन, 2 बेबी ड्रैगन, 2 पैकअप, 5 हीलर, 4 विजर्ड एंड यहाँ पे गाइज थोड़े से क्लीन अप ट्रूप्स है। एंड स्पेल में गाइज यहाँ पर है 2 रेज, 1 हीलिंग एंड आप बाकी देख ही रहे गाइज। तो गाइज इसमें आपकी मेन चीज़ है कि गाइज आपको यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो निकालना, लेकिन गाइस जब से मल्टी इन्फर्नो नहीं है तो गाइस हम यहाँ पर जितनी वैल्यू है क्वीन से निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर अटैक शुरू करते हैं, ओके नाइस। मैंने यहाँ से फनल बनाना गाइस, तो मैंने फनल बना लेता हूँ, यहाँ एक बेबी, 2 बेबी, दोनों बेबीज को डाल दिया है। एंड मैं वॉल ब्रेकर्स यूज़ करता हूँ एकदम परफेक्टली गाइस। वोटर ने मेरे वॉल ब्रेकर्स कर लिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम अंदर वॉल ब्रेकर्स छोड़ देते हैं, ओके ये परफेक्ट है, वॉल टूट गई है, ओके नाइस। अब हम लोग क्वीन को अंदर भेजेंगे, तो देखते हैं गाइस अपोनेंट की क्वीन स्टिल अलाइव है तो उसको हमें टेक डाउन कर लिए, ओके नो प्रॉब्लम। एंड मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ओके। अरे गाइस क्वीन एबिलिटी हो गई मेरी, शिट गाइस क्वीन एबिलिटी हो गई, क्वीन का एबिलिटी को बचा के रखना था लेकिन नहीं किया। सिंगल इन्फर्नो ने गाइस मेरी क्वीन की गुद्दी पकड़ी, अरे भैया अरे सिंगल इन्फर्नो मत कर गाइस, दूसरी आर्मी शुरू कर देते हम साइड से, अरे मेरी क्वीन मर गई, अरे यार। तो गाइस पूरी आर्मी हम साइड से छोड़ देते, ओके सारे पैकर्स एंड साइड में विचेस छोड़ देते गाइस ताकि पनलिंग बंदे रहे। एंड पूरी गाइस आर्मी आपको पूरी कोर में छोड़ने गाइस, मेरी वॉल पैकर्स चले गए शायद, तो मैं यहाँ पे जंप स्पेल डाल देता हूँ, ओके नाइस। आपको गाइस जंप स्पेल नहीं डालना, आपको अपने वॉल ब्रेकर्स बचा के रखने इस आर्मी के लिए। एंड गाइस हमारी आर्मी सारी सारी कोर में जा रही है, ओके हम परफेक्टली देख रहे गाइस। यहाँ पर फ्रीज है, मैं यहाँ पे इन्फर्नो पे डाल देता हूँ, ओके फ्रीज गाइस आप अपने मुताबिक डालिएगा। मैं एक हीलिंग स्पेल को इस्तेमाल कर लेता हूँ, हीलिंग स्पेल डाल दिया है, रे स्पेल मेरा खत्म हो गया है तो ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं एक और फ्री स्पेल यूज़ करता हूँ इन्फर्नो पर, ठीक है। किंग एबिलिटी है मेरे पास, किंग की एबिलिटी देता हूँ, ये किंग की एबिलिटी शुरू हो जा गाइस, बिल्कुल किंग की एबिलिटी मैंने शुरू कर दी है। एंड गाइस हमारे सीसी से हॉक्स आ चुके हैं गाइस, बेस में कुछ बचा ही नहीं है गाइस, देख रहे हो कुछ बेस में बचा ही नहीं यार,
हमारी किंग की एबिलिटी भी बहुत पावरफुल चल रही है। एंड अभी बॉलर से गाइस बाहर की साइड हमारे यहाँ विचेस है जो कि फनल का काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पैकर्स है गाइस, क्या ही परफेक्ट स्ट्रेटजी, इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट थ्री स्ट्रेटजी। गाइस क्या ही आर्मी है यार, ये बेस पूरा खत्म सा हो गया। एंड गाइस अभी भी टाइम बहुत सारा है। एंड यहाँ पे एक पॉइजन भी स्वैग हो गया, लेकिन मैं ये पॉइजन स्केलेटन ट्रैप्स पे डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम, वैसे तो स्वैग ही है। तो गाइस क्या ही आर्मी गाइस, विचेस देख रहे गाइस, पैका हमारा अलाइव है, दो तो पैका जिंदा है, विचेस है, विजार्ड है। एंड गाइस ये हो चुका है हमारा सेकेंड अटैक थ्री स्टार, वो भी इस अटैक स्ट्रैटेजी से। तो गाइस चलते हैं हम लोग अनदर अटैक स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी लेजेंडरी आर्मी हाइब्रिड गाइस। तो गाइस ये वाला बेस काफी अच्छा। अरे अरे What the fuck was that? तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस ये है TS10 की लेजेंडरी अटैक स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी का नाम है हाइब्रिड गाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं गाइस 13 हॉग ग्रेनेड्स, 13 माइनस, एंड यहाँ पे 4 हीलर्स लिए स्पेस गाइस, में 3 हीलिंग एंड 2 रेज, सीसी का 1 फ्रीज एंड पॉइजन ले रखा है गाइस। एंड गाइस सीज बैरिक। तो गाइस मैं इसमें अटैक शुरू करता हूँ, ऊपर की तरफ से मैं ये क्वीन ड्रॉप कर देता हूँ। ओके यहाँ मैंने क्वीन ड्रॉप इस तरफ से करता हूँ, ओके ये यहाँ से क्वीन ड्रॉप, एंड हीलर्स 4 के 4 हीलर्स डाल देता हूँ, एंड बेबी ड्रैगन डाल देता हूँ फनलिंग करने के लिए। ओके बेबी ड्रैगन डाल दी, ओके ऊपर एक विजट डाल देता हूँ मोटर के पास ताकि थोड़ी सी फनलिंग बन जाए। एंड यहाँ पर वॉल ब्रेकर्स यूज़ करता, अरे वॉल ब्रेकर्स किधर जा रहे हैं, दूसरे वॉल में वॉल ब्रेकर बहुत भटकते हैं गाइस। ओके यहाँ परफेक्ट जा रहा है, अब क्वीन से गाइस इस मल्टी को निकालेंगे। ओके क्वीन एकदम परफेक्ट जा रही है, 4 में चले जाए क्वीन। ओके अभी यहाँ पे मैं रिस्पेल का यूज़ करूँगा ताकि मेरी क्वीन की हेल्थ खत्म ना जाए गाइस, क्योंकि क्वीन एबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके यहाँ मैंने एक रिस्पेल ड्रॉप कर दी है, अब ड्रॉप कर देता। ओके लेकिन यार गाइस क्वीन एबिलिटी चले गई, बहुत बुरा लगा यार गाइस। ओके ऊपर से अटैक शुरू कर दिया क्योंकि सीसी में इसके कुछ। गाइस मैं यहाँ पे किंग डाल देता हूँ एंड सीज बैक डाल देता हूँ, और ऊपर से सारे आर्मी छोड़ देता हूँ। ओके माइनस डाल दिए यहाँ पर, पीछे से हॉग राइडर्स, एंड बस अब हीलिंग ड्रॉप करनी है गाइस। तो मैं एक हीलिंग अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा सा हॉग राइडर्स आगे की तरफ आ जाए। ओके गाइस यहाँ पे मैं एक हीलिंग स्पेल डालता हूँ क्योंकि मल्टी भी ट्रिगर करने वाला कुछ ही देर में हॉग राइडर्स को, एंड अपोनेंट की क्वीन गाइस मेरे किंग को ट्रिगर कर रही है, लेकिन नो प्रॉब्लम, अपोनेंट क्वीन भी मर जाएगी। ओके यहाँ पे एक रिस्पेल डाल देता हूँ मल्टी के पास, एंड ओके गाइस यहाँ पर मैं एक और हीलिंग स्पेल डाल देता हूँ। ठीक है यहाँ पर ये हीलिंग स्पेल डाल दे बॉम्ब टावर के पास। ओके आर्मी भी एकदम परफेक्टली जा रही है, एंड पॉइजन स्पेल को मैंने स्केलेटन ट्रैप्स पर डाल दिया कि बहुत सारे स्केलेटन ट्रैप्स आ गए गाइस, तो वो हॉग राइडर्स को एकदम डैमेज देंगे। ओके मैं यहाँ पर हीलिंग स्पेल डालू क्या एक और, अभी देखता हूँ, वेट करता हूँ गाइस, अगर हीलिंग स्पेल की मुझे जरूरत पड़ी तो यहाँ डाल दूंगा। ओके आर्मी एकदम परफेक्टली, क्वीन स्टिल अलाइव है, यहाँ पे 2 विजर्ड्स है एंड हॉग राइडर्स है गाइस सीसी के, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गाइस। मुझे गाइस ये 3 स्टार है गाइस, ये 3 स्टार, एंड गाइस यहाँ पे हीलिंग स्पेल स्वैग करी गाइस एकदम परफेक्टली तरीके से। गाइस क्या ही आर्मी है गाइस, लेजेंडरी आर्मी एकदम ओपी है यार ये, क्या ही बोले गाइस, क्या ही आर्मी है गाइस, क्या ही आर्मी है गाइस। एंड यहाँ पे मैंने हीलिंग स्पेल स्वैग कर दिया, सीसी के ऊपर स्वैग कर दे गाइस। ओके गाइस गाइस ये तो 3 स्टार हो गया गाइस, टाइम को देखिए यार, टाइम गाइस अभी भी 1 मिनट बाकी है हमारे पास। गाइस ये हो गया परफेक्ट 3 स्टार। तो गाइस चलते हैं अनदर अटैक की तरफ गाइस, ये है जैप ड्रैगन गाइस, इसमें आपको 9 ड्रैगन्स, 10 लून्स, 1 बेबी ड्रैगन, एंड यहाँ पे गाइस स्टोन स्लैमर, सीसी में आपको लून्स लेने, 6 लाइटनिंग स्पेल, 2 रेज, एंड सीसी में गाइस आपको अर्थक्विक मैक्स लेवल का, एंड आप अपना अर्थक्विक लिखे रखिए जो भी आपके लेवल का गाइस। तो गाइस इसमें आपको 2 एयर डिफेंस निकाल लें, एंड गाइस इसमें बस प्रॉब्लम होती है स्वीपर, तो गाइस स्वीपर ध्यान दीजिएगा गाइस। यहाँ पे मैंने एयर डिफेंस निकाल लिए, ओके ये दोनों एयर डिफेंस निकालता हूँ, एंड ये ऊपर वाला एयर डिफेंस निकाल लेता हूँ। एंड गाइस काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल गई गाइस, आर्चर टावर भी हमने कर लिया गाइस। एंड गाइस बाकी के जो एयर डिफेंस है वो आपको ड्रैगन से निकाल लेते, तो मैं यहाँ फनलिंग कर लेता हूँ, कुछ बलून्स यहाँ डालता हूँ। एंड गाइस किंग और क्वीन को मैं ऊपर की तरफ डालता हूँ यहाँ पर, ओके राइट हैंड साइड की तरफ। एंड गाइस पूरी की पूरी आर्मी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि फनलिंग हो चुकी है गाइस, सारे ड्रैगन छोड़ दिए एंड बलून्स छोड़ दिए, ठीक है। एंड स्टोन स्लैमर अभी छोड़ देता हूँ, ये स्टोन स्लैमर भी चलेगा गाइस। एंड गाइस रेस पैल का अच्छी तरह मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा, रेस पैल मैं पहला रेस पैल यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ओके ये ड्रैगन के पास पहला रेस पैल, पूरी आर्मी कोर में जा रही है, ओके एकदम परफेक्टली आर्मी कोर में जा रही है गाइस। तो मैं अनदर रेस पैल अभी यूज़ करता हूँ गाइस। इस बस अटैक स्ट्रेटजी में आपको एयर स्वीपर का ध्यान रखना है गाइस, क्योंकि एयर स्वीपर के चक्कर में अटैक स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। तो ठीक है अभी मैं दूसरी रेस पैल को टाउन हॉल पे यूज़ कर लेता हूँ, ये दूसरा रेस पैल डाल दिया मैंने। ओके यहाँ पे मेरा स्टोन स्लैमर जो है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो गाइस एकदम परफेक्टली जा रहा है। एंड गाइस देख रहे गाइस बेस में कुछ बचा ही नहीं गाइस, कोई क्या बचा है बेस में गाइस, ये एकदम परफेक्टली 3 स्टार है।
ओके ड्रैगन्स जा रहे हैं, नाइस सिंगल इंफानो टारगेट निकल गया। ओके आर्मी एकदम परफेक्ट जा रही है गाइस। क्या लगता है गाइस थ्री स्टार होगा? गाइस आई थिंक ये अटैक थ्री स्टार हो सकता है गाइस, लेकिन बस प्रॉब्लम गाइस कोई ब्लैक माइन ना आ जाए, ब्लैक माइन का डर लग रहा है गाइस यहाँ पर। लेकिन लिटरली गाइस ये अटैक एकदम थ्री स्टार है गाइस, आई थिंक ये थ्री स्टार है यार, बस ब्लैक माइन ना आ जाए यार, कोई ब्लैक माइन मत, ब्लैक माइन मत। ओके गाइस अटैक को देखते हैं, ड्रैगन्स प्लीज थ्री स्टार कर दो ड्रैगन्स। ओके आर्मी एकदम परफेक्टली है, लेकिन दो ड्रैगन यार गाइस क्या यार, एयर स्वीपर ने गाइस पूरी की पूरी आर्मी की ऐसी तैसी कर दी है। लेकिन गाइस ओके देखते हैं अभी ड्रैगन्स करते क्या है, दो ड्रैगन्स बाकी है बस। एंड यहाँ पर एक मिनट 11 सेकंड बाकी है, आर्चर ऊपर एक जो है एलेक्सर को डिस्ट्रॉय करने में लगा पड़ा हुआ है। ओके नो प्रॉब्लम ड्रैगन्स है गाइस, आई थिंक थ्री स्टार है गाइस ये, क्योंकि एयर में खाली यहाँ पर एक टेस्ला फार्म बचा है बस। गाइस ब्लैक माइन ना आ जाए, कोई ब्लैक माइन आ गई गाइस दो दो तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड थ्री स्टार कर दो, आई थिंक ये थ्री स्टार है गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ड्रैगन्स की हेल्थ फुल है। बिल्कुल गाइस ड्रैगन्स की हेल्थ, ये इस ड्रैगन की हेल्थ तो हाफ है, लेकिन नो प्रॉब्लम गाइस ये थ्री स्टार हो गया गाइस, थ्री स्टार ही है, अदर थ्री स्टार कर दे गाइस एकदम परफेक्ट तरीके से। क्या ही आर्मी है गाइस, सैड ड्रैगन गाइस, क्या ही ड्रैगन्स है, इसलिए लोग टी एस 10 में ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये है गाइस सबसे डिफिकल्ट आर्मी इन क्लैश ऑफ क्लैंस, क्वीन चार्ज लावा लून। तो गाइस इसमें देख सकते हैं आप दो लावा हॉर्न, 16 लून्स, 4 हीलर्स, मिनियंस, स्टोन स्लैमर। तो गाइस मैं यहाँ पर ऊपर से क्वीन डालता हूँ। इसमें गाइस आपको अपोनेंट की सीसी एंड क्वीन इन पे ध्यान देना गाइस, तो आप पहले स्ट्रैटेजी को देखिए ध्यान से। तो मैं यहाँ पे क्वीन डाल चुका हूँ एंड बेबी ड्रैगन डाल चुका हूँ, फलन से अपोनेंट की सीसी गाइस आ गया लून्स, तो मैं पॉइजन डाल देता हूँ एंड एक रिस्पेल डालता हूँ ताकि बलून से जो है वो टेक डाउन हो जाए। ओके ठीक है नाइस, एक लून डाल देता ताकि एयरमैन ट्रिगर हो जाए। ओके सीसी तो टेक डाउन कर दी, लेकिन अभी भी क्वीन अलाइव है, तो गाइज हम लोग अपॉन की क्वीन को टेक डाउन कर दें। तो गाइज मैं अपनी क्वीन को यहाँ पे अपॉन की क्वीन के कंपार्टमेंट में भेजता हूँ। ओके यहाँ पे किंग को डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि फनलिंग बनते रहे। ओके किंग की डाल दिया एंड गाइज किंग एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, जो एक्सपो एंड आर्चर टावर है वो किंग के ऊपर लग चुके हैं। एंड यहाँ पर स्पेल यूज़ करना पड़ा गाइज, सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने फिर से मेरी क्वीन की गुद्दी पकड़ ली, लेकिन गाइज मुझे अभी भी कोशिश है कि मेरी क्वीन निकाल ले अपॉन के क्वीन को। ओके क्वीन साइड से टेक डाउन, गाइज क्वीन टेक डाउन होगी एंड यहाँ पे सिंगल टारगेट इन्फर्नो भी टेक डाउन हो चुका है। एंड लावा लून गाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में, लावा लून में यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देता हूँ। ओके 9 o'clock की तरफ से, तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ लून डालता हूँ। गाइज आपको आधा चांद जैसा लून बनाना तभी आपकी अटैक स्ट्रेटजी बहुत ही परफेक्टली चलती है, अदरवाइज गाइज ये अटैक कभी कभी फेल हो जाता है अगर आप लून की डिप्लॉयमेंट बहुत ही गलत करेंगे तो। ओके गाइज यहाँ पे 3 loons यहाँ पर एंड एक लावा हॉर्न, ओके 3 loons यहाँ पर एंड स्टोन स्लैमर डाल दो, लेकिन पहले लावा हॉर्न डालूंगा फिर स्टोन स्लैमर। ओके loons एंड पीछे से मिनियंस डाल दो कि गाइज टाइम फेल ना हो जाए, इमीडिएटली आपको मिनियंस डालनी पड़ेगी गाइज, कि नहीं तो आपका अटैक में टाइम फेल जरूर मिलेगा इस स्ट्रैटेजी पर। ओके यहाँ पे एकदम परफेक्टली चल रहा है गाइज, गाइज लूंस देख रहे गाइज कुछ बचा ही नहीं लग रहा है ऐसे बेस में, गाइज कुछ है ही नहीं गाइज, इसको कहते हैं गाइज एकदम परफेक्टली फीचर। एंड यहाँ पे रेस पहले एंड अभी भी रेस पहले, क्वीन हमारी गाइज अलाइव है। ओके परफेक्टली गाइज यहाँ पर हमारा स्टोन स्लैमर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है एंड गाइज स्टोन स्लैमर से हमारे लूंस आ चुके हैं। गाइज देख रहे हो गाइज कुछ बचा ही नहीं गाइज बेस में एंड अभी भी गाइज हमारे पास दो हेस पहले है। ओके एक हेस पहल का मैं यूज कर लूँगा ताकि टाइम फेल ना हो जाए। एंड गाइज लावा लून तो गाइज क्या ही बोले गाइज, क्या ही लावा लून के बारे में बोले गाइज, परफेक्ट थ्री स्टार, अनदर परफेक्ट थ्री स्टार कर दे गाइज। ओके यहाँ पे मैं हेस पहल स्वैग कर देता हूँ गाइज, यहाँ पे मैंने हेस पहल स्वैग कर दिया नाइस गाइज, क्या ही आर्मी है गाइज, क्या ही आर्मी है क्वीन चार लावा लून। ओके अभी भी 40 सेकंड बाकी, लेकिन लिटरली गाइज बहुत पावरफुल आर्मी है गाइज, देख रहे लून्स गाइज कितने सारे बचे हैं, आई थिंक 6-7 लून्स बचे होंगे। ओके मैं गिन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लून्स जो है एक साथ आपस में चिपके हुए। लेकिन गाइज ये स्पेल तो मैंने स्वैग कर दिया, तो गाइज हम लोग यहाँ पे कोर में स्वैग करते, ये गाइज मैंने टाउन हॉल के ऊपर डाल दिया है। एंड गाइज क्या ही आर्मी गाइज, बहुत ही मजा आया गाइज आर्मी को यूज करके। और गाइज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।